एक दिन की बात है, सुरेश काफी समय के बाद शहर से अपने गांव की ओर चला आ रहा था। रमेश काफी समय से सोच रहा था अपने गांव आने के लिए, तो रमेश ने बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाला है अपने गांव आने के लिए। आखिरकार वह दिन आ ही गया है, रमेश को टाइम मिल ही गया है अपने गांव आने के लिए। रमेश चला आ रहा है अपने गांव की ओर, तो रास्ते में उसको रामू दिखाई देता है। रामू पूछता है, अरे रमेश तुम गांव में चलो, अच्छा है तुम गांव में आ गए हो, तो पर उस रास्ते से मत जाना। उस रास्ते में एक पेड़ है और पेड़ पे चुड़ैल का वास है, तो उस रास्ते से तुम मत जाना। जो भी उस रास्ते से जाता है, चुड़ैल उसको ही मार देती है, कहीं तुमको भी कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। रमेश बोलता है, मैं इन सब बातों का विश्वास नहीं करता हूँ। तो रमेश उसी रास्ते से आता है और रास्ते में उसको कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। रमेश सोचता है, कहीं रामू सच तो नहीं बोल रहा था, शायद मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। तो रमेश देखता है उसके सामने पेड़ पे से उसको चुड़ैल बोलती है, अरे मूर्ख तुमने कैसे गलती की इस रास्ते से आने की, जो भी इस रास्ते से आता है मैं उसको मार देती हूँ, मैं तुमको भी मार दूंगी।